वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग सवेर दे वज गए ने 7 वज गए ने ते ताजवंश दा हैगा अज स्कूल हैगा हुण मैं सिरे पर नहा धो के पाठ कर लिया ते उस तो बाद लग गई सी ताजवंश दे टिफिन रेडी करन दे लई इत्थे फ्रूट टिफिन है जिहड़ा ओह इहनां दा कर लिया एप्पल कर लिया रेडी ते इहदे च एप्पल पाया होया मैं इहनां दे फ्रूट टिफिन च ते इत्थे अज मैं बनाउण लगी हां बेसन चिल्ला उहदे लई इहदे च प्याज सब्जियां जिहड़ियां सीगियां शिमला मिर्च वगैरह ओह मैं कटिंग करके पाती आ ते हुण रेडी कर लैंदी आ हुण फटाफट मैं इहनां दे टिफिन रेडी कर दिंदी आ छिल्ले बना लैंदी आ क्योंकि तवा है जिहड़ा गर्म हो गया है ते उस तों बाद फिर ताजवंश नूं रेडी करूंगे ते फिर टाइम दा पता लगदा झट हो जांदा टाइम ने स्कूल चले गए तो हूँ मैं बना लिया इतने अपनी चाह गुड़ वाली चाह पी लेंगे नाल खा लेंगे जलेबियाँ क्योंकि बन्नी जी लेके आए थे जलेबियाँ तो इतने बाहर का वैदर दिखा दें धुप निकल गई आ बट हूँ दिनों बहुत फर्क पै गया इतने बन्नी जी ताजवंश में छड़िया है यहाँ भी आ गया है बन्नी जी हैलो तो मैं बिग बॉस देख रही हूँ उस तो बाद फिर लगाऊंगी हूँ मैं झाड़ू पोछे चाह पी लेंगे पहले फिर साफ सफाई करेंगे इधर चाह मेरी रिझ रही है लाया बनी जी जलेबियाँ तो मैं ना बारीक वाली जड़िया होंगे ना पतली पतली जलेबियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगदियाँ है तो इसलिए मैं खाने का बड़ा इन्हों का रहा वाली बहुत ज़्यादा सवाद लगदियाँ वाली जड़ियाँ चाह पीन तो बाद मैं लग गई सी साफ सफाई करन दे लई झाड़ू पोछे लगाए विड़ा वुड़ा सारा साफ किया तो उस तो बाद फिर मैं लग गई सी सब्जी कटिंग करन दे लई अज बना रही हूँ मैं गोभी की सब्जी गोभी यह मैं ना सुची कट लाँगी क्योंकि कल हैगा मेरा फास्ट हैगा करवा चौथ का व्रत रखना तो उहदे लई मैं सुची जिहड़ा अपना कोली किक रख लवाँगी तो उहदे लई मैं बना रही हाँ क्योंकि फिर रात हो जानी आ मेहंदी भी लग जानी हाथों से तो इसलिए मैं पहले ही बना के गोभी की सब्जी रख लवाँगी इतने आलू कटिंग कर लगी हुई हाँ मसाला जिहड़ा सीगा सारा रेडी कर लिया तो इतने गोभी भी जिहड़ी वह मम्मी लगे हुए कटिंग करन दे लई तो हुण फटाफट मैं सब्जी बना लैंदी हाँ सब्जी बनाने तो बाद रोटी रूटी खा के फिर इन्ना ताजवंश का टाइम हो जाएगा फिर उन्होंने तैयार करो फिर असी जदे ही निकल पैना तो फिर शाम को बननी नहीं इसलिए मैं इस टाइम हुणे ही बना रही हाँ तो फटाफट सब्जी तो इस टाइम हो चुके हैं 1:30 का ताजवंश आ गए ने स्कूल तो हुण असी चले हाँ बनूड़ तो मेहंदी वगैरह लगानी है क्योंकि मेरी भतीजी है जिहड़ी खुशी ना वो मेहंदी लगाती है हर हर साल मैं उसे तो लगवाती हाँ तो हुण मेहंदी लगवा लेते क्योंकि कल हैगा करवा चौथ हैगा तो अज मैं हो गई हाँ रेडी तो सब्जी वगैरह मैं बना के रख दी हाँ जी मतलब कि सुची क्ढनी से कट ली तो अज मैं पाया वन पीस लॉन्च तो पिछों पिछे भी है तो हम चलते हैं तो ताजवंश भी इतने बैठे अपना गुलकोंडी लगे हुए पी ली है इन्होंने हूँ मैं इन्होंने चक दी हाँ क्लास क्योंकि स्कूल तो आए ना ये हमने हो गया सैंडल पा लो हाँ जी टाइम हो गया 1:30 का गाइस असि पहुंच गए हैं बनूड़ ते ए हैगी मेरी हरलीन हेलो हेलो गुरु आज हम फिर से आ गए हैं आज हम फिर से आ गए आप क्या कर रहे थे लड़ाई नहीं करनी था आज बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करनी हरलीन ने मेहंदी नहीं लगाई बुखार हो गया था कैसे हो गया था बुखार कैसे हाय हमें तो पता नहीं लगा था खांसी से होता है रोबक्स गए अब ठीक है और ये किसने किए ये पीछे भी देख ले क्या मीना करी करी भी है हाय इड्डे बड़े अमन ने कराया है सारा उसकी तो हम पिटाई करेंगे ठीक है ऊपर बैठो वंशु ऊपर बैठो आज तो हम मेहंदी लगाएंगे ये देखना मेरी ड्रेस अच्छी है लहंगा ये तुम्हारे पास भी है तुमने डाला नहीं है स्टार वाला लहंगा नहीं पाया लहंगा लहंगा कहाँ गया तेरा
ड्रैगन नहीं ले गया चो तेनू तेनू पागल बना रहे हैं इसके अलमारी के बीच में लको के रख दिया उन्होंने। अच्छा मैं लूंगी अब ढूंढ के दूंगी मैं। ठीक है पानी पी लो तुम हरलीन पानी पी लो। लगी मैं मेहंदी लगवाने दे लई ते इधर आ गई आ खुशी। हैलो खुशी ते बहुत वधिया सोहनी मेहंदी लगाउंदी आ ते ज्यादा नहीं वैसे लगानी है ते इन्नी नहीं लगानी आ ते हरलीन लगाएगी। ते हरलीन ने लहंगा पाया अज शीशियां वाला। मम्मी का हरलीन तूने लगानी है मेहंदी यो कट ली ने ये है हमारी हरलीन कौर। अरे तेरे मामू आने वाले हैं। अच्छा जी ये है हमारी गुड़िया रानी बड़ी सियाणी और यहाँ पे गुरताज वंश क्या कर रहे हैं वो फोन देख रहे हैं ये। क्या कर रहे हो तुम लहंगा कौन लेके आया था ये लहंगा शीशे वाला कौन लेके आया था हैं कौन लेके आया था ये मम्मी पापा बाजार से लेके आए थे। बाजार से लेके आए हैं मम्मी पापा लेके आए थे दे दे और ये हमारी गुड़िया रानी बड़ी सियाणी है और इधर खुशी लगा रही है मेहंदी क्योंकि खुशी सुबह से बिजी थी आज। क्या कर रही है रिम्पी आमन वाले आने आमन वाले हैं कौन आने वाला है मामू आने वाले मम्मा सफाई कर रही है और चाडू लानी मामू आने वाले हैं मामू आने वाले तो मम्मी सफाई कर रही है। हाँ। अच्छा जी हरलीन ने स्कूल कब जाना है और मेहंदी लाएंगे मेहंदी लाएंगे ये है मेहंदी ये देखिए लगवा ले हरलीन गिर जाएगी हरलीन ਭਾਬੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੇਕ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਕੇਕ ਹੀ ਲੈ ਲੈਣਾ देखो भाई इधर देख लो जल्दी काटेगा सीधा देख हरलीन कोरे ओ तेरी हमने मम्मी ने खिला दी देख ए हरलीन कोरे हरलीन इधर देख इधर 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 चमचा देख खाली वाले देख लो क्लैपिंग करो क्लैपिंग देख लो भी इवन चम्मच ले ली इन्हें आपसे पता है मैंने नहीं करना चल कोई ना
पहले बात मार लो तुम तेरे के लिए उधर ब्लॉग बन रहा है उधर फोटो खींच इधर ब्लॉग बन रहा है चॉकलेट क्यों दे दे अब बेटा चोंगी ले लो इसका खा दे बात थोड़ा सा काट लो उधर चलो भाई मुरला जा दो रिंपी नु फिल्टर दबा दूंगा लगा नहीं एडिट कर ओ बड़ी तेज हो भाई अच्छा ये फोन किसका है ताज का ताज को मिल गया देख तो लियो इधर उधर क्या देख रहे हलीन उधर देख अमन का वो तो खाने में लग रही है तो चल जा जी भी आ गया सही है चलो गाइस केक कटिंग हो गया तो हूँ खाऊंगे असं केक के नाल फिर मेहंदी रह गई जी भी लगाऊंगे कंप्लीट करूंगे क्योंकि पैरों पर रह रही है नाम भी देखो नाम कहाँ डूडो कहाँ पे है अड्डे बड़ा तो लिखा उठा गया सीधा वो लिखा चल वंशु अंदर जा बैठ चलो भाई ओले ला सले ला मेहंदी लाई हुई है मेरी गाल चले ओ तुम्हें ब्याह ते आ जाओ जाना तो बारात में चाहिदा मिलनी हो बारात जदा मैं कह बारात में जानती नहीं बारात दी ता मैं साई ला दंदा भी जे मेनू बुलाया ता फिर ता मैं ले जा लसन सुट रहे है मेरे सिर के विच पापा मां सुट दे पापा मां सुट दे ओ पापा कहां खा ला रही है तू कुत्ते के चिट्टे कपड़े आ रहे है कड़ी काई बंदा हेलो ऊपर भी रख के बाहर ही आ रहा है मैं मुंह में ला दे मेरे सब्जी कर ला सब्जी
ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਣਾ ਬਾਏ 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 ਕਿਤਨੀ ਵਾਰ ਬਾਏ ਕਰੋ ਤੇਰੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਪਾਵਾਂਗੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ 7:30 ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ 9:30 ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀ ਨਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਲੌਗ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ